कौन सी पार्टी है जिसको और काम करना चाहिए? 400 पार की अपेक्षा कर रहे हैं? 400 पार नहीं, नहीं। इंडिया की बात करें तो अभी ट्रेंड में पार्टी भाजपा चल रही है। इस बार 400 पार होगा या नहीं होगा? आपसे ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। जोधपुर में रावण के चबूतरा रामलीला मैदान जिसे कहा जाता है, पहली बार एक फिश टनल जहाँ पे सारी मछलियाँ आपको दिखाई देंगी और यहाँ पे टिकट रहता है 100 रुपए। आप आ सकते हैं इस टनल में जहाँ मछलियाँ होती है, राजस्थान में बहुत ही कम दिखाई देती है, और पानी जहाँ कम दिखाई देता है वहाँ मछलियाँ स्वाभाविक रूप से कम दिखाई देती है। और जोधपुर में बहुत ही बड़ा ये टनल फेस्टिवल है जो रावण के चबूतरा में आयोजित किया गया है। बहुत ही शानदार, जोधपुर के लोगों के लिए ये बहुत ही सुनहरा एक मौका है जब लोग मछली देखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी की जब बात करते हैं लोग गिनाते हैं कि क्या उन्होंने काम किया है। बहुत सारे काम किए हैं, एक बार राम मंदिर का निर्माण। और अगर उसको दावेदार जो लोकसभा चुनाव में अगर प्रधानमंत्री बनना है या मजबूत पार्टी बनकर उभरना है तो किस पार्टी को और काम करने की आवश्यकता है? बीजेपी के अलावा अभी तो हमें और कोई नहीं दिख रहा है। अर्जुन को रिजल्ट आने वाले, इतने सीटों की आप मांग रख रहे हैं कि आ सकते हैं? बीजेपी 350 के भी जाएगी। तो गर्मी है, उस बारे में आप बता पाएंगे गर्मी किस कदर है? जोधपुर में गर्मी अभी फिलहाल में बहुत ज्यादा है, 51 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा रहा है, ज्यादा गर्मी है, उसके बावजूद काफी संख्या में दर्शक आ रहे हैं। और आपको लग रहा है कि ये पार्टी बहुत उभर कर आएगी बाद में? पार्टी की बात करें तो सर्वोपरि इंडिया की बात करें तो अभी ट्रेंड में पार्टी भाजपा चल रही है। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत वापस बहुत बड़ी बहुमत से लीड लाएंगे। और जोधपुर में इस बार बदलाव तय है, क्योंकि इस बार हमारे जो गप्पू बना ने कुछ नहीं किया है, ओनली मीठी मौसी की तरह मीठी मीठी बातें की है, लोगों को बरगलाया है। और जो आज मतलब 30 लाख पोस्टें खाली पड़ी है, ठीक है, उनके ऊपर है जो किसी भी प्रकार से है, जो सरकार का ध्यान नहीं है, ठीक है। और पेयजल की इतनी बड़ी समस्या है, लोग तरस रहे है आज। हालांकि आज के वीडियो देखो, गाँव के लोग है जो टंकी के ऊपर पानी के लिए तरस रहे। तो हमारे यहाँ पे है जो जल शक्ति मंत्री क्या कर रहे हैं, 900 करोड़ ने केले बागान वगैरह बनाए इथोपिया में, ठीक है, वो आम जनता के पैसे, आम जनता तरस रही है एक एक रुपए के लिए, जिन्होंने जो अपने संग्रह करके एक एक रुपए एकत्र करके है, जो उन्होंने संजीवनी में जमा कराए, और माननीय मंत्री साहब है जो उसको डकार गए। जोधपुर की जनता स्वतः चाहती है कि भाई बदलाव हो। और हमारे जो है लूणी विधानसभा से है जो करण सिंह उचेड़ा को हम है जो कम से कम 20,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करवा के भेज रहे हैं। एक तरफ लोग जहाँ गर्मी से बहुत ही परेशान है, एक तरफ जहाँ टैक्स बढ़ाते हैं सरकार उससे भी बहुत परेशान है। लोगों को लूटने का एक काम कर लिया इन्होंने, एक रवैया बना दिया इन्होंने, जीएसटी या किसी भी एजुकेशन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, हर टैक्स लगाया है। रही बात रोजगार की, तो लोग है जो इधर उधर भागा दौड़ कर रहे हैं, 10,000-12,000 की नौकरी से उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है, रूप से जो घर चलाना मुश्किल हो गया है। लारचूर को आप जब टीवी में देख रहे होंगे, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा वोट लाए, आप उसको सबसे ऊपर देखना चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि भाई इस बार बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि हमने मोदी जी को 10 साल दे चुके हैं, और इस बार हम वापस है जो पुनः चाहेंगे कि कांग्रेस को बहुमत लो। और यहाँ तक कि इनके जो दक्षिण भारत में ये श्योर है कि बीजेपी का खाता तक नहीं खुल रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप राजस्थान की बात करें तो पिछली बार भी 25 में से 25 सीटें दी, और इस बार बेदरक है जो कांग्रेस की है जो 10 सीटें आएगी। पंजाब में इनकी सीटें जारी है, दिल्ली में इनकी सीटें जारी है। तो अब बताओ आपकी कहां से ये 400 पार का नारा दे रहे हैं? जब जब इन्होंने 400 पार का नारा दिया है, या जब जब इन्होंने सीटें बढ़ने का नारा दिया है, और हमेशा वहां डाउन होते गए हैं। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, अगर आप जोधपुर में, अगर 3 पार्टियां होती है, एक बीजेपी जो गजेंद्र शेखावत जी है, और करण सिंह उचेड़ा कांग्रेस की तरफ से, और तीसरे रविंद्र सिंह भाटी, तो आप किसको वोट देते हैं? नहीं, एक्चुअली इसमें कहे तो रविंद्र सिंह भाटी और करण सिंह उचेड़ा बहुत अच्छे चेहरे हैं, क्योंकि जिस प्रकार है जो रविंद्र सिंह भाटी ने यूनिवर्सिटी में रहकर विद्यार्थी हित के लिए जो काम किया है, उसी प्रकार करण सिंह उचेड़ा ने भी लोकसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि बाहर भी उन्होंने खूब काम करा है। जैसे आप मेहरानगढ़ किले का हादसा हो, उनके परिवारों को उन्होंने घर वगैरह आवंटित करवाया है, और ऑक्सीजन जब कोविड के टाइम में ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत पड़ी तो उस समय इन्होंने करण सिंह उचेड़ा ने इन्होंने हेल्प की है। तो मेरी नजर में दोनों बंदे अच्छे हैं, ठीक है। मैं भी इस बार हम चाह रहे हैं कि भाई रविंद्र सिंह भाटी तो ऑलरेडी विधायक है, तो वो जनता की इस बार सेवा कर रहे हैं, इस बार हम करण सिंह को ही देते हैं। अगले वाले चेहरे के रूप में सीएम के तौर पर आप रविंद्र सिंह भाटी को देख सकते हैं, अगर आप भविष्य में अगर देख पाए तो। हाँ, अगर रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस में जुड़ के अगर आगे बढ़ते हैं तो हम रविंद्र सिंह भाटी को देख सकते हैं।